तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे आपकी वनडे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ले रहा हूँ और विस्तार से उनके आंसर बताए जा रहे हैं। वनडे एग्जाम कहने का मतलब मेरा यहाँ ये है कि आपका जो भी SSC, बैंक, रेलवे में जो भी आपका, फिर चाहे MPSI हो गया, व्यापम हो गया, शिक्षक भर्ती हो गई, या फिर UPTET हो गया, यूपी दरोगा हो गया, यूपी पुलिस हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, या इस तरह के जिस भी एग्जाम में पूछे जाते हो क्वेश्चंस, इस प्रकृति के जिस भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस जरूरी रहेंगे, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो इस तरह के हम लोग 6 टेस्ट आपके खत्म कर चुके हैं, ये आपका 7वां टेस्ट है। और कई बच्चों का कहना है कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो आप लोग बेल आइकन है जो, उसे प्रेस जरूर कर लें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होता है, जो भी लेक्चर आता है, आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है, याद रखिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? आप सभी जानते होंगे अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में है। ये सूफी संत थे, क्या थे? सूफी संत थे। इनकी दरगाह आपको अजमेर में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विट्ठल स्वामी का मंदिर किसने बनवाया था? विट्ठल स्वामी का मंदिर किसने बनवाया? तो ये बनवाया था कृष्ण देव राय ने। किसने? कृष्ण देव राय ने। आप सभी जानते होंगे कि विजयनगर साम्राज्य का शासक था, राजा था कृष्ण देव राय। इसने 1509 से 1530 तक शासन किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि गुरु अर्जुन देव ने। गुरु ग्रंथ साहिब का किसने संकलन किया? गुरु अर्जुन देव ने। और आप जानते होंगे कि गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। किसके? सिखों के। उन्होंने जहांगीर ने खोलते तेल में डालकर मरवा दिया था। ये भी आपसे कई बार पूछ लिया गया है कि जहांगीर ने सिख, मतलब सिखों के किस गुरु को मरवाया था? अर्जुन देव को। अर्जुन देव को, 5वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की? दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये दिल्ली सल्तनत का शासक था और ये दिल्ली सल्तनत में ही प्रमुख मंत्रालय रहा है, ठीक है, दीवान ए कोही। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है? मुरीद किसे कहा जाता था? मुरीद किसे कहा जाता था? जो सूफी संत के शिष्य हुआ करते थे, यानी कि छात्र हुआ करते थे, उन्हें कहते थे मुरीद। क्या कहते थे? मुरीद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पाद साहेब काजी किस मुगल सम्राट को कहा जाता है? जहांगीर को। किसे? जहांगीर को। बी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन हमारा? चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ? चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ था? तो ये हुआ था आपका मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। ये आपका हुआ था 1194 ईस्वी में। कब? 1194 ईस्वी में। इसमें आपने देखा था कि जयचंद लड़ते हुए मारा भी गया था, मोहम्मद गौरी की विजयी हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1469। 20 अक्टूबर 1469, यह दिन प्रकाश दिवस के रूप में मनाते हम लोग। किसके? प्रकाश दिवस के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मार्को पोलो किस राज्य के क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था? मार्को पोलो किस राज्य के क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, पांडव जो वंश था, इसके शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने,
मुल्क एक खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था? मुल्क एक खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था? तो ये था मराठा साम्राज्य। क्या? मराठा साम्राज्य। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक बात और आपको बताऊं, देखिए हम लोगों ने जीएस इतना विस्तार से पढ़ लिया है आपका, लूसेंट कवर करवा दी है, किरण सामान ज्ञान बुक्स कवर करवा दी गई है, और भी बाकी आपका कंप्यूटर साइंस की एक पूरी बुक्स और उससे संबंधित आपके टेस्ट लगवा दिए गए हैं। अगर मुझे लगता है कि इतना अगर आप विस्तार से पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट सूची में जाकर जरूर देख लें, आपके लिए काफ़ी मटेरियल दे चुका हूँ। एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए आपको है कि मध्य प्रदेश जो सामान्य ज्ञान है उसे कवर कर चुका हूँ, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान को कवर कर चुका हूँ बहुत ही विस्तार में, तो आप लोग उसे जाकर देखते रहिए। अब उसके बाद क्या बचता है कि आप किताबें कितनी ही पढ़ लीजिए लेकिन अगर मॉक टेस्ट आप नहीं लगाते हैं तो आपके क्वेश्चंस छूटने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं होगा कि क्वेश्चंस किस तरह से बन रहे हैं, किस तरह के पूछे जा रहे हैं, तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए जितने अधिक से अधिक हो सके मॉक टेस्ट दिया करिएगा, किताब एक ही पढ़िए। जैसे आपने लूसेंट पढ़ लिया या फिर आप वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वन डे एग्जाम के लिए लूसेंट काफ़ी है या किरण सामान्य ज्ञान बुक्स काफ़ी अच्छी है और बहुत विस्तार से बताया गया है। इसे पढ़ने के बाद आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए अधिक से अधिक जितने हो सके, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम वही आपको फायदा पहुंचाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी पिथा कहाँ से ली गई है? मनसबदारी पिथा कहाँ से ली गई है? मंगोलिया। आपने देखी होगी मनसबदारी पिथा मुगल काल में प्रचलित थी। कब? मुगल काल में, या मूल रूप से मंगोलिया से ली गई है। और भारत में इसकी शुरुआत की बात करें तो अकबर के समय हुई थी। किसके? अकबर के। क्वेश्चन है हमारा, पहली बार किस मुस्लिम राजा ने हज यात्रा राज्य के खर्चे पर करने का ऐलान किया था? पहली बार किस मुस्लिम राजा ने हज यात्रा राज्य के खर्चे पर करने का ऐलान किया था? तो ये था अकबर। कौन था? अकबर। अकबर ने पहली बार हज यात्रियों को राज्य के खर्चे पर भेजा था। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने अगला, विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक आयात की जाने वाली वस्तु क्या थी? विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक आयात की जाने वाली वस्तु कौन सी थी? तो ये थे घोड़े। क्या थे? घोड़े। बी ऑप्शन सही है। आपने सुना होगा कि विजयनगर साम्राज्य में ही घुड़सवारी में बेहतर सुधार भी हुआ था, घुड़सवारी सेना को सुधारा जा रहा था उसी समय, ठीक है। यहाँ आयात और निर्यात का मतलब ये होता है कि आयात मतलब आप किसी देश से खरीद रहे हैं और निर्यात का मतलब होता है कि आप किसी देश को कुछ बेच रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि आप अगर किसी से कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो वो आयात कर रहे हैं यानी कि आपके पास आ रही है, और जो आप उसे बेच रहे हैं वो निर्यात कर रहे हैं यानी कि जा रही है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद किसे कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद किसे कहा जाता था? तो ये था समाचार वाहक जासूस। समाचार वाहक जासूस को क्या कहते थे? जासूसों को कहते थे समाचार वाहक या जासूस, वरीद को, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने, फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की? फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की? ये था फुतुहात ए फिरोजशाही। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, किसानों पर सिंचाई कर किसने लगाया? किसानों पर सिंचाई कर किसने लगाया? ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। एक तुगलक वंश का महान राजा हुआ करता था फिरोज शाह तुगलक, इसी ने सिंचाई पर नया एक कर लगाया हुआ था। क्वेश्चन है हमारे सामने, अरबों के सिंध आक्रमण के दौरान बहुत से हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण किया गया, वो किस अधिकार से वापस हिंदू धर्म में आए? देवल स्मृति। आपको मालूम होगा कि मोहम्मद बिन कासिम
712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करता है, तब वहाँ के कई हिंदुओं का इस्लाम में धर्म परिवर्तन करवा लेता है, और फिर देवल ऋषि आते हैं उनका शुद्धिकरण कराया और उन्हें वापस हिंदू बनाया। एक बात और याद रखिए, अभी भी आप देखते हैं पाकिस्तान में हमारे यहाँ के कई हिंदू गए हुए थे, वहाँ आपने देखा है या तो उन्हें धर्म बद मुस्लिम धर्म में यानी कि इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया गया है या उन्हें मार दिया गया है। इनका मतलब आप समझिए, पहले जो भी आक्रमणकारी हुआ करते थे मुस्लिम, उनका एक ही उद्देश्य था धर्म को प्रचार करना यानी कि धर्म को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मुगल राज्य में काजी अल कुजात कौन था? मुगल काल में काजी अल कुजात कौन था? तो ये था न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, बीजापुर के आदिल शाह वंश के सेनापति अफजल खान का असली नाम क्या था? बीजापुर के आदिल शाह वंश के सेनापति जो अफजल खान थे, इनका असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम था अब्दुल भटरी, जिसे शिवाजी ने, आपने सुना होगा कि शिवाजी ने मार दिया था इसे, ठीक है, आदिल शाही वंश। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, दीन ए इलाही कब चलाया गया? ये आ है बात आपकी 1582 की, कब की? 1582 की, 82 की, ये किसके द्वारा चलवाया गया था? अकबर के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने, पूरी तरह से अरबी सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने चलवाए? तो मालूम होना चाहिए आपको, ये था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश, उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल भी चलवाया था, आपने सुना होगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने, कुलीन प्रथा को बंगाल में किसने शुरू किया? वल्लाल सेन ने, ये सेन वंश का राजा था, ठीक है, किस वंश का? सेन वंश का राजा था। एक बात और याद रखिए आप लोग, बड़े ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ा करिएगा, और क्या होता है कि कई बार आते हुए भी क्वेश्चंस हम लोग गलत कर बैठते हैं, और जो भी आपकी आंसर वो रहती है पुस्तिका, उस पर आप लोग बड़े ध्यान से टिक लगाया करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक बार अगर आपने लगा दिया उसके बाद दूसरी बार सुधारना या बदलना नामुमकिन है, उसे किसी भी तरह से नहीं बदला जा सकता है। तो बेहतर यही है कि आप लोग बड़े ध्यान से लगाया करिएगा, या तो पहले ऐसा कर लिया करिएगा कि आप लोग अपने जो प्रश्न पत्र रहता है उस पर एक तरह से टिक लगा लिया करिएगा। वैसे टिक लगाने के लिए मना करते हैं, लेकिन आप लोग इतना तो लगा सकते हैं कि आपको दिखे, ऐसी बिंदी रख दी या फिर आपको थोड़ा चिन्ह बना रहे, उसके बाद आप लोग जो उत्तर पुस्तिका है उसमें भरा करिएगा, गलत होने की चांस ना रहे, यही रहने चाहिए, क्योंकि जब आपने देखा है कि एक दो नंबर से आप लोग छूटते हैं तो बड़ा दुख भी होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया था? तो ये था आपका मोहम्मद गौरी। कौन था? मोहम्मद गौरी। गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने आबू पर्वत के पास मोहम्मद गौरी को हराया था, उसका मार्गदर्शन उसकी माँ कायमा देवी ने किया था। किसकी माँ थी ये? भीमदेव द्वितीय की। मोहम्मद गौरी को पकड़ लिया गया था, किंतु आपने देखा होगा बाद में छोड़ दिया। क्वेश्चन है हमारा, चार्यापद की रचना किसने की? ए था महासिद्ध, बी ऑप्शन सही है। चार्यापद की स्थापना रचना होती है 10वीं शताब्दी में, यह एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना महासिद्ध ने की थी, और पाल वंश का शासन था जिस समय इसकी रचना की जा रही थी, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी अनहिल वार्ड।
अगर इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा की बात करें, जो महान शासक था, उसका नाम था मूलराज। क्या था? मूलराज। क्वेश्चन है हमारा, आलेखंड किस युद्ध से संबंधित है? आलेखंड, या इसे आप लोग आलाखंड भी कह देते हैं, आलाखंड किस युद्ध से संबंधित है? तो आपने देखा होगा महोबा का युद्ध, ये महोबा के युद्ध से संबंधित है। आलाखंड या आलेखंड में परदी देव परमल ने कि पृथ्वीराज चौहान से 1182 में युद्ध का वर्णन है, इसकी रचना की बात करें तो जगनिक नामक कवि ने इसकी रचना की थी। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन है हमारे सामने अगला, क्या है? 725, 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हो जाने के बाद दोबारा सोमनाथ मंदिर को किसने बनवाया? 725 में जो अरब आक्रमणकारी थे, उन्होंने, आपने देखा कि सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया, तो इसे दोबारा किसने बनवाया? इसे दोबारा आपने देखा होगा कि नागभट्ट द्वितीय ने बनवाया था। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। ये 815 की बात है, 815 में इसे दोबारा बनवाया गया। इसे 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने दोबारा तोड़ दिया गया था। आपने भी देखा होगा, ये भी सुना है कि देखिए, किसी धर्म पर मैं इतना महान नहीं हूँ कि कटाक्ष करूँ, लेकिन कहा जाता है कि जब मुस्लिम आए आक्रमणकारी, आज के मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस समय के जो आक्रमणकारी हुआ करते थे, देखिए आज के नेताओं और उस समय के नेताओं में भी फर्क था। आप समझ सकते हैं कि उस समय के मुस्लिमों में जो भी आक्रमणकारी हुआ करते थे, उसमें भी फर्क था। और आज आप अगर आज की तुलना उन लोगों से करें, आज के मुस्लिमों की, तो ये गलती है। ठीक है, तो कहते हैं कि उस समय मंदिरों को तोड़कर ही मस्जिदें बनवाई जा रही थी, या फिर कुछ और तरह की इमारतें बनवाई जा रही थी, और आप इसका मतलब इतिहास गवाह भी है, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन फिलहाल आप छोड़िए, इसमें राजनीति का मुद्दा है, तो हम लोग इस पर ज्यादा कमेंट भी नहीं कर सकते। लेकिन आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको बेहतर जानकारी मिलती है। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। राजपूतों ने किस अरब आक्रमणकारी की सेना को हरा दिया था? राजपूतों ने किस अरब आक्रमणकारी की सेना को हरा दिया था? तो ये था अल जुनेद। कौन था? अल जुनेद। गुर्जर पिथिहार वंश के राजपूत राजा नागभट्ट प्रथम ने युद्ध में अरब आक्रमणकारी अल जुनेद को हराकर वो वापिस भेज दिया था। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित राजपूत वंशों में कौन सा अग्निकुल से नहीं है? पितिहार है आपका, परमार भी है, चौहान भी है, लेकिन कछवाहा इसमें नहीं है। अग्निकुल से संबंधित राजपूत वंश की बात करें तो इसमें आप चौहान देखेंगे, चालुक देखेंगे, परमार देखेंगे, पितिहार देखेंगे, तो इसमें क्या होगा? डी नहीं है। ठीक है, तो आप ऑप्शन क्या लगाएंगे? डी। क्वेश्चन है हमारा अगला, चचनामा कहाँ के इतिहास से संबंधित है? चचनामा कहाँ के इतिहास से संबंधित है? तो इस संधि के इतिहास से संबंधित है। चच सिंध का एक राजा हुआ करता था, और चच का साम्राज्य आधुनिक भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसकी राजधानी ब्रह्मणवाद थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो ये था आपका काजी अल कुजात, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत आया था? जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत भारत आया था? तो ये था थॉमस रो, थॉमस रो। और याद रखिए, व्यापारिक अनुमति लेने में भी सफल रहा, और आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज सबसे पहले हमारे यहाँ व्यापार करने ही आए थे, पर उन्हें लगा कि
हमारे यहाँ शासन करना बड़ा आसान है, क्योंकि आप देख रहे थे कि पूरा भारत एक क्षेत्रीय बाद में बटा हुआ था, यानी कि सबको अपने अपने क्षेत्र से प्यार था, ना कि पूरे भारत से। तो इसलिए उन्होंने आराम से शासन भी कर लिया सबको हराकर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मुगल शासक मोहम्मद शाही को किस नाम से जाना जाता था? मुगल शासक मोहम्मद शाही को किस नाम से जाना जाता था? आप लोगों को बता भी चुका हूं कि रंगीला, रंगीला क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा, मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम क्या था? मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम क्या था? अली गोहर, इसका नाम था अली गोहर, गोहर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन हमारा, मुगल शासक मोहम्मद शाह का असली नाम क्या था? मुगल शासक मोहम्मद शाह का असली नाम क्या था? तो इसका असली नाम था रोशन अख्तर। आप लोग देखते होंगे कि देखिए मध्यकालीन भारत में आपके अधिकतर क्वेश्चंस या तो गुलाम वंश से यानी कि दिल्ली सल्तनत से पूछे जाएंगे या मुगल काल से पूछे जाएंगे। ठीक है, इन्हीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अधिकतर, और आपने देखे भी होगा कि यही दो, मतलब आप देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, अल्तुतमिश या रजिया सुल्तान या फिर बलबन, फिर आप देखते हैं कि तुगलक वंश में, खिलजी वंश में, इन्हीं से आपके क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं, तो इन पर अच्छे से फोकस दे दीजिए। क्वेश्चन है हमारा, अलाई दरवाजा को किसने बनवाया था? अलाई दरवाजा को किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, बी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बीजापुर सल्तनत की स्थापना किसने की? बीजापुर सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो ये था यूसुफ आदिल शाह, ए ऑप्शन बिल्कुल सही भी होगा। क्वेश्चन है हमारा अगला, बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में थी? बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में थी? ये आपकी चगताई भाषा में थी, और आपको मालूम होगा कि अबुल फजल ने इसे फारसी में तुजुक-ए बाबरी के नाम से अनुवाद भी किया था। किसने? अबुल फजल ने। क्वेश्चन है हमारे सामने, मंगोलों के सबसे ज्यादा आक्रमण किसके काल में हुए? मंगोलों के सबसे ज्यादा आक्रमण किसके काल में हुए? तो ये हुए हैं, आपने देखा होगा, अलाउद्दीन खिलजी के काल में। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। अलाउद्दीन खिलजी ने इन आक्रमणकारियों से निपटने के लिए लोहे और रक्त की नीति भी अपनाई थी। आपने सुना होगा लोहे और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन है हमारा, कुतुब मीनार का नाम किसने किसके नाम पर रखा गया है? कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? बख्तियार काकी। और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन आपने देखा है कि इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण कराया था। ठीक है, क्वेश्चन है अगला हमारे, कौन से मुगल राजा के दरबार में हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम मनसबदार थे? क्या पूछ रहा है, कौन से मुगल राजा के दरबार में हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम मनसबदार थे? तो ये थे औरंगजेब के समय। किसके? औरंगजेब के समय। माफ करिएगा, इस क्वेश्चन में आपका मिसप्रिंट हो चुका है। मुगल राजा के दरबार में हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम नहीं, मुस्लिमों से ज्यादा, किसने? मुस्लिमों से ज्यादा हिंदू मनसबदार थे। कौन थे? औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या आपको सबसे अधिक देखने को मिलेगी, अधिक थी। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, जप्ती प्रथा, जप्ती प्रथा और दहशाला प्रथा किसने शुरू कराया? जप्ती प्रथा और दहशाला प्रथा किसने शुरू करवाया था? ये था टोडरमल।
कौन था? टोडल मल मल। और इसका मुख्य कार राजस्व का कार देखना था, और जप्ति पिथा और दह साला पिथा दोनों टोडल मल ने शुरू करवाई थी। और टोडर मल के बारे में अगर बात करूं तो अकबर की नवरत्नों में से ये भी शामिल था, एक था। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने, किसने अपने भाई उलूग खान खान और नुसरत खान को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा था? किसने अपने भाई उलूग खान और नुसरत खान को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या अगला क्वेश्चन? मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये हुआ था पांडव वंश में। ए ऑप्शन सही है, यह मदुरै में है जो पांडव वंश की राजधानी भी रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलवाया था? चांदी का टंका तांबे का जीतल किसने चलवाया था? ए इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। बी ऑप्शन सही है। और याद रखिए भारत के पहले शुद्ध दरबी सिक्के थे, ठीक है, जो इल्तुतमिश ने चलवाए थे। क्वेश्चन है हमारा अगला, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया? तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया? महमूद शाह तुगलक के समय में। महमूद शाह तुगलक के समय में, ये आपकी 1398 के करीब की बात है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा अगला, एकता पिता का अंत किसने किया? एकता पिता का अंत किसने किया था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और आपको मालूम होना चाहिए कि एकता पिता को इल्तुतमिश ने शुरू किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। इसके अंदर क्या होता था कि सैनिकों और राज्य के अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दे दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओसियान का मंदिर किसने बनवाया? ओसियान का मंदिर किसने बनवाया? ये गुर्जर प्रतिहार। और ये मंदिर नागभट्ट प्रथम, मेहरभोज, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय, इन्हीं सभी ने बनवाया था। क्वेश्चन है हमारे सामने, चंगेज खान का समकालीन कौन था? चंगेज खान का समकालीन कौन था? इल्तुतमिश। और आपने देखा होगा कि इल्तुतमिश के समय भी मंगोल राजा था चंगेज खान। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्राथमिक मध्यकाल के दौरान जिजागुप्ति किस जगह को कहा जाता था? तो ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि बुंदेलखंड। बुंदेलखंड को क्या कहते थे? जिजागुप्ति। तो ये था आपका 7वां टेस्ट। चलिए मिलते हैं हम लोग 8वें टेस्ट के साथ। आप लोग उसे किरण सामंत ज्ञान बुक्स को पढ़ लें, और उसके बाद आप लोग जितने अधिक से अधिक मॉक टेस्ट हो सके उतने सॉल्व करिए। ठीक है, और पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी जाती है, वहाँ से डाउनलोड करके रख लीजिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, और जो भी ज़रूरत हो बताते रहिएगा आप लोग। ठीक है।